थोड़ी देर इसको साइलेंट पे लगा देता हूँ मैं। फ्रेम देखो मिलता होगा। अभी कर दिया साइलेंट पे। देखो फ्रेम मिल जाऊंगा। हाँ स्टार्ट करिए आप। सर एक सेकंड जी, किस पे करूँ? 15B पे, 15B पे ना, सीनियर सेकेंडरी प्लस टू तक का सीनियर सेकेंडरी का। एक सेकंड वो कल करेंगे। 15B पे आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लाइव कर रहे हो क्या? आ गया होगा। देखो 15B पे मिल गई ना, कर दो काट दो करो सर। ओके आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहा है और अब से जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 15 मिनट में ये लाइव हो जाएगा। इस बात की खुशी है कि परिणाम इस बार 81.65% रहा, यानी जो पास परसेंटेज है वो 81.65 रही। जो सहपाठी विद्यार्थी थे उनकी पास परसेंटेज 52.44 रही। साथ में ही इस बार नियमित परीक्षा में 2,57,116 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें से 2,09,933 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, यानी और 47,183 परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण रहे। सीनियर सेकेंडरी की जो सहपाठी थे उसमें 3,587 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और उसमें 1,881 परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे। छात्रों से 10.68% ज्यादा पास प्रतिशत दर्ज की इस बार। वैसे ही जो शैक्षिक परीक्षा में 87.11% छात्राएं कामयाब रही और ग्रामीण क्षेत्र के जो परीक्षार्थी थे या विद्यार्थी थे और विद्यालयों ने शहरी क्षेत्र के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। इस बार ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता थी वो 83.51 रही और शहरी क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता थी वो 77.70 रही। प्राइवेट स्कूलों का जो परिणाम है वो बेहतर रहा। प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 83.23 रही और राजकीय विद्यालयों की जो पास प्रतिशतता है वो 80.66% रही। अगर हम आगे देखें तो पास प्रतिशतता में जिला रेवाड़ी है वो टॉप पे रहा है, नंबर वन पे रहा है और फरीदाबाद सबसे नीचे पायदान पे रहा। इस वक्त बोर्ड परिणाम जो बोर्ड की वेबसाइट है www.bseh.org.in पर उपलब्ध है, लॉगिन करके सभी अपना परिणाम देख सकते हैं। और परिणाम घोषित होने की तिथि से यानी आज से 20 दिन तक पुनः जांच या मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हमारी वेबसाइट एक्टिवेट कर दी गई है। इस बार इस तरह पर सीबीएसई की तर्ज पे हमने विचार नहीं किया है, लेकिन जहां तक हमारी एक परंपरा चली आ रही है उस तरह से हमने इस बार जो पास प्रतिशतता है और रिजल्ट है पहले की तरह ही जारी किया है। और इस बार हमने स्टेट टॉपर्स भी दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी दिए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो
नंबर वन पोजीशन पे पूरे स्टेट में है वो बच्ची है, उसका नाम है नैन्सी, डॉटर ऑफ हरपाल बंसल और इनू बंसल, और ये नव भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी मंडी की छात्रा है। जो दूसरे नंबर पर बच्ची रही है वो है जसमीत कौर। अच्छा, इसके जो पहले ये नैन्सी है इसके 498 नंबर आए 500 में से। दूसरी बच्ची है जसमीत कौर, फादर का नाम है हरविंदर पाल सिंह और मंजीत कौर, और ये संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल निर्मल धाम करनाल की रहने वाली है। ये दूसरी पोजीशन पे रही है और 497 अंक इसके आए हैं। तीसरे नंबर पर तीन छात्राएं हैं, एक का नाम है कनुज 496, कनुज है डॉटर ऑफ जोगिंदर सिंह एंड कृष्णा कुमारी, न्यू रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहांगीरपुरी झज्जर से है। दूसरी बच्ची है जो तीसरे नंबर पे है वो है मानसी सैनी, डॉटर ऑफ धर्मेंद्र सैनी एंड सुशीला सैनी, और ये सैनी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक से है, और इसके भी 496 अंक आए हैं। और तीसरे नंबर पे जो बच्ची है वो है प्रिया, डॉटर ऑफ संजय बंसल एंड अंजू बंसल, और ये भी तीसरे अंक पर ही है, तीसरे नंबर पे है, इसके भी 496 अंक आए हैं। इसका विद्यालय आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल उकलाना मंडी हिसार से है ये बच्ची। तो इस तरह से जो टॉप थ्री पे पोजीशंस में है, फर्स्ट और सेकंड क्लास, थर्ड पोजीशन पे तीन छात्राएं हैं, मतलब पांचों छात्राओं ने बाजी मारी है। बिल्कुल जी, तो ये है जो बच्ची फर्स्ट पोजीशन पे है वो कॉमर्स स्ट्रीम से है, सेकंड बच्ची भी कॉमर्स स्ट्रीम से है, और जो थर्ड है कन्नूज ये फिजिक्स, हाँ ये साइंस स्ट्रीम से है, एक आर्ट्स से है मानसी सैनी, और दूसरी भी आर्ट्स से है। तो इस तरह से एक बच्ची साइंस से है, बाकी सब कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम से। कितनी देर में अपलोड किया जाएगा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के? अब से 15 मिनट बाद ये अपलोड हो जाएगा। दसवीं की बात करें, दसवीं का परीक्षा परिणाम कब जारी किया जाएगा? दसवीं का परिणाम हम कल जारी कर देंगे, इसी समय 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके बाद तुरंत जो है वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ये भी तैयार हैं, जैसे ही परिणाम घोषित हो जाएगा प्रिंटिंग का काम शुरू कर देंगे, और मैं समझता हूँ 15-20 दिन में सभी के पास पहुँच जाएंगे। तो अनुत्तीर्ण या जिनका जो आंशिक सुधार के विद्यार्थी हैं, उनके लिए कब जांच किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, कब परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी? अभी हमने बताया ना 20 दिन के लिए अप्लाई करेंगे, एक परीक्षा हम जुलाई में करवाएंगे, तो उसके अंदर जैसे सितंबर में परीक्षा होगी, और फिर अगले सेशन में मार्च में जो बच्चे कंपार्टमेंटल हैं या अदरवाइज हैं उनको मौका दिया जाए। विगत वर्ष की तुलना में परीक्षा परिणाम में मामूली गिरावट दर्ज की है, अगर बात करें वजह क्या मानी जाए इसके पीछे, या परीक्षाओं में नकल पर अंकुश या कोई और वजह मानी? इसके कई कारण हो सकते हैं, नकल पे अंकुश लगा ये तो सत्य बात है, क्योंकि इस बार जो यूएमसी केसेस थे ऑलमोस्ट 50% से भी डाउन आ गए थे, लेकिन ये बच्चे वो हैं कुछ एक मुझे लगता है कि कोरोना काल के बच्चे हैं जिनको प्रमोट किया गया था, पूरे 2021 के बच्चे हैं ये, तो दसवीं थी की थी और इस वक्त इन्होंने 12वीं की है, तो हो सकता है कि एक उसका भी परिणाम है कि जो इस तरह से हमने प्रमोट किए थे सभी को एक बेनिफिट दे दिया गया था। अगर ग्रेस मार्क दिए हैं तो इसमें सारे जो नियम अनुसार मिलते हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम में है उसी तरह से ही रिजल्ट तैयार किया गया है, जैसे कि हर बोर्ड का तैयार करता है, इसको 1-2% होता है, 1-2 मार्क्स, हाँ वो फॉर्मूला भी जो है लगाया जाता है, यही है। आज बताइए
बधाई दे दो पैर से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने आज कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित किया है। सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इन परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, और हम विद्यालय परिवार की ओर से उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं और वो आने वाले जीवन में भी इसी तरह ऊंचाइयों को छूते रहें। इसके साथ ही मैं उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा जो बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं, वो किसी तरह के अतो उत्साहित न हों और जो उनके एफर्ट में कमी रह गई है वो इस बार अच्छा परिश्रम करें और आगामी जो परीक्षाएं होंगी उनमें सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। और तो कोई सवाल नहीं है? अरे हाँ, आप लोगों की सिफारिश थी ना सभी की, सुनील जी को प्रमोट कर दिया, चाहो धन बधाई दे दो आप सब। टॉपर की आपको मिल जाएगी, सुनील जी दे देंगे।